काशी की पावन धरती एक बार फिर दीपों से गुलजार होने वाली है। सैकड़ों दियों से घाट रोशन होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर भगवान धरती पर पधारने वाले हैं और हम उनकी स्वागत की तैयारी में दीप जलाने वाले हैं। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में दीपावली की तरह ही देव दीपावली का भी बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। इसी खुशी में देवताओं ने काशी में गंगा तट पर दिए जलाए। ऐसी मान्यता है कि उस दिन से लेकर आज तक देवता काशी की पवित्र भूमि पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं और हम उनके स्वागत में दिए जलाते हैं। लेकिन इस दिन का हर एक दिया चमत्कारी होता है, कई परेशानियों से मुक्त कराता है, माँ लक्ष्मी संग विष्णु का वरदान देता है। बस उन्हें कुछ खास उपायों के साथ जलाने का विधान है, खासतौर पर उनके लिए जो काशी के घाट पर नहीं जा पाते। वो अपने घर में किस दिशा में दिए जलाएं, घर के बाहर कहां कहां दिए जलाएं, कि उन्हें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु संग सभी देवताओं की कृपा मिल सके। ज्योतिष के अनुसार अगर आप नियम के मुताबिक सही दिशा में दिए नहीं जलाएंगे तो इसका उल्टा असर भी आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखकर ही दिए जलाएं। क्या है वो खास उपाय, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देव दीपावली के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा करें और वहां एक अखंड दिया जलाएं। ध्यान रखें कि वो दिया बुझना नहीं चाहिए। वैसे तो तुलसी के पौधे के पास हर दिन दिया जलाना चाहिए, लेकिन देव दीपावली के दिन तो तुलसी के पौधे के पास जरूर दिया जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बरसती है, घर से नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सुख शांति का माहौल बन जाता है। धन की कामना के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर ईशान कोण में दिए जरूर जलाएं। इससे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा सालों भर बरसती रहती है। घर के पास बने मंदिर में भी एक दिया अवश्य जलाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, मानसिक शांति मिलती है और घर के कलेश से छुटकारा मिलता है। देव दीपावली के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। इससे भगवान शिव बेहद खुश होते हैं और जीवन से सारी परेशानियां चुटकी में खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं। लेकिन इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि दिया लगाने के बाद पीछे न मुड़े, सीधा अपने घर की ओर लौट जाएं। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। अगर आपकी जिंदगी में तनाव है, किसी दोष से ग्रसित हो, तो इस दिन पितरों को याद करके एक दिया जरूर जलाएं। पीने के पानी के पास भी एक दिया जलाएं। ज्योतिष के मुताबिक इन उपायों को करने से आपकी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। ज्योतिषों की माने तो आज के दिन 11 दिए का खास महत्व होता है, इसलिए 11 दिए के साथ ही आप देव दीपावली की शाम को फलदायी बना सकते हैं। आज के दिन घर में 11 आटे के दिए बनाएं और उनमें घी भरकर लौंग कपूर तेजपत्ता का भूरा डालें। इसके बाद इन दियों को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जलाएं, साथ ही पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा भी करें और घर आकर 11 मिट्टी के दिए घर के मंदिर, मुख्य द्वार, रसोई, छत, बालकनी और तुलसी के पास जलाएं। ऐसा करने से घर में बरकत होगी, घर में शांति का माहौल बना रहेगा, माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं इस दिन दीप दान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। धर्म के जानकारों के मुताबिक ये दिए चमत्कार तब करते हैं जब शुभ मुहूर्त में दिए जलाए जाएं, तो इस बार देव दीपावली पर दीप जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से शाम 7:47 तक है, यानी आप 2:39 तक शुभ समय में दिए जला सकते हैं और सारे देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।